Hello everyone, this is Mahima Singh, legal advisor at Dialeasy, and today we'll talk about objectives and importance of the Act, of the Consumer Protection Act that we are going to discuss. The Consumer Protection Act 1986 specifically we are going to discuss. Now, the Consumer Protection Act was implemented in order to provide better protection to the rights of the consumer. Prior to the implementation of this act, there was no special act for protecting the consumer, and the only remedy available to the consumer was under the law of torts, filing a civil suit for damages against the shopkeeper or service provider. This act is based on the doctrine of caveat emptor, which means that it is the responsibility of the buyer to identify the defects इन द गुड. क्या है कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, पहले तो इससे पहले कोई एक्ट था नहीं, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था टू वॉट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. प्रायर अब इसका अब एज आई सेड कि प्रायर टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट कोई भी एक्ट नहीं था फॉर द कंज्यूमर्स. सो अगर कोई भी उनको ग्रीवियंसेस होते थे तो वो टॉट्स में आता था. जो कंज्यूमर्स की जो रेमेडीज़ अवेलेबल होती थी वो टॉट्स के अंदर अवेलेबल होती थी, फाइलिंग अ सिविल सूट, और वो होता था डैमेजेस क्लेम करने का. ठीक है, तो जो ये एक्ट बना है, ये एक्ट बना है हमारा डॉक्ट्राइन पे, कैवियट एम्प्टर पे. ठीक है, कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करें डिफेक्ट्स क्या हैं गुड्स के. ओके, ना देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच आर सॉट टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सच एज अभी क्या कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रोटेक्ट करे गए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. क्या है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ऑल द सिक्स राइट्स द कंज्यूमर विच विल बी डिस्कस्ड लेटर, टू प्रोवाइड सिंपल एंड स्पीडी disposal the case for providing quasi judicial machinery for redressal of consumer dispute. Third, the act also aims to provide inexpensive redressal to the issues of the consumer. Fourth, a consumer dispute redressal forum called State Commission has been set up in order to settle the disputes of each and every consumer in all states of the country. क्या क्या है इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के अंदर? वो हैं कि प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑल सिक्स राइट्स ऑफ द कंज्यूमर विच विल बी डिस्कस लेटर ऑन, एंड टू प्रोवाइड सिंपल एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस बाय प्रोवाइडिंग क्वाजी जुडिशियल मशीनरी फॉर द रेड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट. ओके, थर्ड है कि दिस जो एक्ट है एम्स टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव रेड्रेसल, मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव जो रेमेडी है वो ना करके और इशू जो है कंज्यूमर के वो सॉल्व करता है. फोर्थ है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्टर फॉरम कॉल्ड स्टेट कमीशन हैज़ बीन सेट अप इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री. क्या कह रहा है कि एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉरम जो होता है उसको हम स्टेट कमीशन ने सेट किया है इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर, वो भी हर स्टेट की कंट्री के. ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जानेंगे कंज्यूमर कौन होता है विद सेक्शन ऑब्वियसली एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द next video.